मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हो रही है किचन में खड़े होके, क्योंकि सुबह का टाइम है और मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पे गायों का लंच बॉक्स। और गायों भी बाहर पेस्ट कर रही है और अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock, 6 बज रहे हैं अभी। तो मैं जब तक उसका लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ, उसके बाद मैं उसे रेडी करूँगी, क्योंकि वो वॉशरूम में ही है, पेस्ट वगैरह कर रही है। तो यहाँ पर मैं आज उसकी डिमांड थी कि उसे फ्रेंच फ्राइज लेके जाना है, तो मैं फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ। और मेरे पास टाइम था तो मैंने यहाँ पे ये सब्जी भी बना दी। बाकी के काम जो हैं मैं बाद में करूँगी। और अभी जब तक ये बन रहे हैं, मैं देखती हूँ कि गायों क्या कर रही है। यार बच्चों का ना ये बड़ा वो हो गया है, लेकिन आज गाय बहुत जल्दी आ जाएगी। गुड फ्राइडे है आज, और है ना बाबू, जल्दी आ जाओगे ना, क्या हुआ। और देखो ये मैं पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, से हाय, क्या हुआ। बहुत अच्छे बच्चे हैं आजकल के। वॉशरूम में कर लो आप, ओके। बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब एक आवाज़ लगाओ इनको तुरंत उठ जाते, बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। और हम तो 10-10 बजे तक सोते थे, है ना, लेकिन स्कूल के टाइम पे तो नहीं। और ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे गायों के लिए फ्रेंच फ्राइज़, जो कि मैंने आलू को ना पहले हल्का सा स्टीम करके और उसके बाद इसमें नमक मिर्च डाल के थोड़ा सा अरारोट डाल के यहाँ पे इन्हें अच्छे से डीप फ्राई कर दूँगी, क्रिस्पी क्रिस्पी सी थोड़ी सी। और अभी बनाने मेरे को करेले, तो अभी ना टाइम दोपहर का टाइम हो रहा है, मैंने ना इसे थोड़ी देर के लिए पहले धूप में रखूँगी कट करके, और उसके बाद फिर इन्हें ना मैं शाम को बनाऊँगी, क्योंकि धूप में रख दूँ तो इनका कड़वापन जो है ना वो निकल जाता है। और धूप में रखने से पहले ना मैंने इसमें नमक डाल दिया था, और नमक डालने के बाद में ये जो करेले हैं वो 2 घंटे के लिए इन्हें धूप लग गई है। और उसके बाद में मैं इसका यहाँ पे ना मसाला तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च इन सारी चीज़ों का ना पेस्ट बना लेना है, चाहे तो आप चॉप भी कर सकते हैं। और मैंने हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाया था, मोटा मोटा सा ही, लेकिन उसी में कर लिया था मिक्सी के जार में। और इन्हें करेले जो थे इन्हें भी हल्का सा स्टीम कर लिया, उसके बाद में इनका जो पानी होता है उसे एकदम टाइट करके निचोड़ दिया। ऐसे करने से ना कड़वे नहीं रहते हैं करेले, किसी किसी को कड़वे पसंद आते हैं, बट मेरे को कड़वे जो होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और इनमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है ऑयल की। तो एक पैन में मैंने ऑयल गर्म करने के बाद में हल्का सा जीरा डाला उसमें, और उसके बाद में जो मैंने अनियन और ये सारी चीज़ों को चॉप करा था, यानी कि जो पेस्ट बनाया था मोटा मोटा सा, इसको बहुत अच्छे से भून लेना है, ये कच्चा ना रहे। और जब तक ये ऑयल को छोड़ ना दे तब तक इसे भूनते रहें हल्की हल्की आँच पर। और इसके बाद में इसमें सारे मसाले आप ऐड कर दें। मसाले में इसमें सौंफ और आमचूर पाउडर ये ज़रूर डालना होता है करेले में, तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने थोड़ा सा सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, क्योंकि खुशबू जो होती है ना उसकी बड़ी अच्छी लगती है। और इसके बाद में ये मसाला अच्छे से भुन जाए और उसमें सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएँ, उसके बाद में हमारे पास जो स्टीम करे हुए, बहुत मतलब 2 या 3 मिनट के लिए मैंने ये करेले जो है ये स्टीम करे थे, उसके बाद इन्हें वॉश करके इसमें डाल दिया, और ये बनके रेडी हो गए यहाँ पे सारे करेले। और अभी मैं खाने की तैयारी करूँगी, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा सैलेड वगैरह कट कर लेती हूँ और देन मैं खाना बना लूँगी फिर। और ये आज मैंने, ये बहुत पुराना है और ये ना रखा हुआ था काफ़ी दिन से, तो मैं देख रही थी इसे यूज में लेने की कि मे बी ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने पहले तो इसे बहुत अच्छे से साफ़ किया, और साफ़ होने के बाद में ये इतना अच्छा लग रहा था, एकदम वाइट वाइट सा। और अभी रूम में अंधेरा हो रहा था तो मैंने कहा करके देखती हूँ, अभी रात हो गई है और ये बहुत प्यारा लैम्प लग रहा है इस तरीके से हट टाइप में। और पता है क्या, फ्रिज में ना कश्मीर बन गया है पूरा। देखो ये ना बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ 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 पापा को दे ना, पापा लड्डू बना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं सेकंड टाइम आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि कल व्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाया था, और अभी जो टाइम है वो हो रहा है शाम के 8 या 7:30 के समथिंग टाइम हो रहा है, और मैं भी जा रही हूँ मार्केट थोड़ा सा।
वहाँ से आके आपको मिलती हूँ और दिखाती हूँ। चलो आप भी मेरे साथ चलो वहाँ पे और मैं दिखाती हूँ आपको अपने साथ साथ। और आज का जो मेरा लुक है वो है ये गाउन, एक कॉटन का बहुत प्यारा सा गाउन है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, ये इस तरीके से है। और ये है काई का आउटफिट और इसमें स्लीपर पहन रखे हैं, अभी चेंज कराती हूँ। इसकी चोटियाँ बड़ी प्यारी लग रही हैं। नीचे दिखाओ, नीचे दिखाओ, नीचे दिखाओ, नीचे सर करो, नीचे सर करो, मैं भी ताकि नीचे मतलब अच्छा चलो ठीक है। और अभी मैं मार्केट आई ही थी तो सोचा थ्रेडिंग भी बनवा लेती हूँ, तो अभी बनवा रही हूँ मैं थ्रेडिंग। और पापा क्यों ना देना तो थोड़ी सी आना आयु के लिए ना, मैं ये वाले कपड़े लेकर के आई हूँ और ये है एक डांगरी सूट है और जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, ये कुछ इस तरीके से है। क्योंकि ना जैसे अभी गर्मियाँ हैं तो कायु के सारे गर्मियों के जो कपड़े हैं ना वो छोटे हो चुके हैं डेली के, तो मैं उस लिए लेकर के आई हूँ। और एक है ये शॉर्ट्स जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा है और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है ये, और इसका जो कपड़ा है ना वो कॉटन है, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, बहुत अच्छा है ये। और गर्मियों में वैसे भी इसी तरीके के कपड़े हों, ये डेनिम में है लेकिन ये डेनिम भी ना दो तीन तरह का आता है, ये बहुत हल्का सा है, कुछ कुछ कॉटन का सा लग रहा है मेरे को, कलर तो इसका डेनिम जैसा है लेकिन हैवी डेनिम ही, लेकिन ना ये कुछ कुछ कॉटन जैसा लग रहा है, प्योर डेनिम नहीं है ये। और एक ये टी शर्ट लेकर के आई हूँ मैं कायु की, जो कि बहुत प्यारा प्रिंट लग रहा है इसका, ब्लैक एंड वाइट का, और वाइट कलर तो वैसे भी मेरा फेवरेट है। और जब भी मेरा मार्केट जाना होता है मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं हमेशा घर से सोच के जाती हूँ कि इस बार ना कुछ डिफरेंट सा कलर लेके आऊँगी, हमेशा वाइट ही हो जाते हैं, बट मन नहीं भरता है और कुछ पसंद नहीं आता है। और एक टी शर्ट ये लिया था कायु का जो कि ये भी अच्छा लग रहा है, बट इसमें भी थोड़ा सा वाइट है, बट कोई नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन ये ऊपर से ना इसका जो लुक है वो थोड़ा काफ़ी अच्छा सा आ रहा है, स्पोर्ट्स लुक आ रहा है इसका। और एक टी शर्ट ये है क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा टी शर्ट लग रहा है, ये इसका जो प्रिंट है ना बच्चों वाला बिल्कुल, और अच्छा लग रहा है एकदम फनी फनी सा इस पर जो प्रिंट ये जो तो आपको कैसे लगे हैं ये काई के कपड़े? यही लेके आई थी फिलहाल, तो मैं और कुछ ज़्यादा लेके नहीं आई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मार्केट बंद होने का टाइम हो गया था, तो इसलिए मैं फ़िलहाल यही लेकर के आई हूँ। आगे कभी जाना होगा तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी।